खबर रीवा से है, जहां अब अपराधी इतने बेखौफ हैं कि जेल से जमानत मिलते ही अपने रूप में फिर उतर आते हैं। जी हां, बात कर रहे हैं रीवा जिले के सगरा थाना अंतर्गत लक्ष्मणपुर गांव का, जहां का एक वीडियो वायरल हो रहा है। उक्त वीडियो लक्ष्मणपुर निवासी रोहित सिंह पिता दुर्घट सिंह का बताया जाता है, जो कुछ दिन ही पहले जेल से NDPS जैसे संगीन अपराध में जमानत से छूटा है। युवक अपने साथियों के साथ उसी वाहन का फिर से प्रयोग करके काफी दहशत फैला रहा है। लोग इतने डरे हुए हैं कि उनके मुंह से अब कुछ निकल नहीं पा रहा। उन्हें शंका है कि कभी भी गंभीर वारदात घटित हो सकती है। युवक सोशल मीडिया में सरेआम पिस्टल लहरा रहा है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि प्रशासन ऐसे अपराधी को नजरअंदाज क्यों कर रही है? ऐसे अपराधियों के ऊपर शिवराज सरकार का बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा? इनके लिए जेल जाना और बाहर आना आम बात हो, जब तक ऐसे अपराधियों को आर्थिक कमजोर नहीं किया जाएगा तब तक इनके हौसले पस्त नहीं होंगे। इनके लिए जेल तो आम बात हो गई है, आरोपी सरकार और प्रशासन को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। दिन दहाड़े खुलेआम नशीली कफ सिरप की तस्करी सोशल मीडिया में लाइव आकर कर रहे हैं। हालांकि उक्त वीडियो में दिख रहे युवकों की पोस्ट विराट 24 न्यूज नहीं करता है कि यह युवक कौन है, कहां के रहने वाले हैं, लेकिन जिस तरह से वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है उससे यह साफ दिखाई दे रहा है कि अपराधियों को पुलिस का खौफ नहीं है। ਗਹਿਣੇ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ